योजना जो पहला फेज है उसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन की हैं। देखिए तमाम ये प्रधानमंत्री से जो मिलने आए हैं ये जो लोग हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री उनसे उनके अनुभव सुन रहे हैं। देखिए बच्चे भी मिलने आए हैं, स्कूली बच्चे हैं, प्रधानमंत्री उनको ऑटोग्राफ देते हुए, खुशी देखिए उन बच्चों के चेहरों पर, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में उनसे बात करते हुए। इस ट्रेन को देखकर आप समझ रहे होंगे कि इसी तरह की ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में हम और आप लगातार सफ़र करते हैं। ये जो अनुभव प्रधानमंत्री सुनते हैं उन्हीं अनुभवों से वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सफ़र करना, जो यहाँ के लोग हैं आखिर उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या खुशी, क्या रोमांच, क्या उत्साह, क्या प्रोत्साहन इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए। मेट्रो रेल का सफ़र करते हुए प्रधानमंत्री, कुछ ही देर पहले उन्होंने वंदे भारत का सफ़र किया था, मेट्रो रेल बिल्कुल आप देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद हैं। और मेट्रो रेल आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, आप हैंडल्स देख सकते हैं, जिन जिन अत्याधुनिक सुविधाओं से इन इन कोचों का निर्माण किया गया है, और सुविधाजनक सफ़र के साथ साथ आरामदायक सफ़र, सुरक्षित सफ़र, सफ़र भी करना है, सुरक्षित भी होना चाहिए, आरामदायक भी होना चाहिए, स्पीड के साथ, तो मेट्रो ट्रेन उसका सबसे अहम उदाहरण हम मान सकते हैं। और मेट्रो रेल जो है ख़ास तौर पर इस तरह की सबअर्बन सिटीज़ में सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको सुबह कहीं पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, और आप अपना कन्वेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन प्रधानमंत्री जो वहाँ पर उनसे लोग मिलने आए हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे हस्ताक्षर को देते हुए, और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र तक ये जाएगा। प्रधानमंत्री दौरे का आज दूसरा दिन है यहाँ पर ये, और यहाँ की जनता के लिए आज का दिन काफ़ी अहम, जब हम बात करते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी में सुधार के साथ आगे बढ़ रहा है अब अहमदाबाद। तो ये तमाम स्टेशन हैं, इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय भी मौजूद है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है सबसे अहम, ये मेट्रो रेल बहुत अहम भूमिका निभाती है अगर आपको पहुंचना है। और ये अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री, तो अहमदाबाद को रफ्तार दी, दोहरी सौगात दी है प्रधानमंत्री ने। देखिए दोहरी सौगात है, एक तरफ वंदे भारत, दूसरी तरफ मेट्रो रेल परियोजना, और खुद देखिए, खुद पैसेंजर, खुद यात्री बनकर प्रधानमंत्री ये महसूस करते हुए कि एक यात्रीगण को अगर वहाँ मेट्रो रेल की वो यात्रा करता है तो उसे कैसा महसूस होता है, अगर वो वंदे भारत में बैठकर जा रहा है तो उसे कैसा महसूस हो रहा है, एक आम जन की तरह। यही तो प्रधानमंत्री का सहज, स्वाभाविक और बेहद सरल और अलहदा उनका ये व्यक्तित्व है। अहमदाबाद वाले लोगों के लिए दोहरी सौगात है यहाँ पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई खूबे वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी की, उसके बाद अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई, कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की रेल यात्रा का आनंद लिया, और एक रेल यात्रा का आनंद कर लेते हुए समझने की कोशिश की कि वहाँ पर किस तरह से तमाम जो लोग हैं जब वो यात्रा करेंगे तो किस तरह से वो महसूस करेंगे। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, यहाँ पर 129 से ज़्यादा लिफ्ट्स, 161 से ज़्यादा एस्केलेटर्स, 126 से ज़्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं, और इसकी कुछ तस्वीरें जो हमने साझा की आपके साथ, वो तस्वीरें ही अपने आप में इसे बताती हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास यानी कि सफाई के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से, सुगमता के लिहाज से, और अपने आप में जब हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय होने के साथ एक राष्ट्रीय भावना भी जागती है कि हम मेक इन इंडिया के इस बड़े से सफर में छोटा सा योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से योगेश जुड़े हैं। योगेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। योगेश, दोहरी सौगात मिली है आज अहमदाबाद वासियों को, एक वंदे भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन, दूसरा मेट्रो रेल, और प्रधानमंत्री खुद यात्री के रूप में, एक पैसेंजर के रूप में यात्रा करते हुए, अनुभवों को सुनते हुए, अनुभवों को साझा करते हुए। देखिए आचल, जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार का हमेशा से फोकस रहा है, अगर आप अहमदाबाद से पहले देखें तो पुणे भी आए थे, और देश के कई जगहों पर मेट्रो को लेकर उन्होंने जो है सौगात दी और वहां पे शुरुआत की गई है। नवरात्रि के समय निश्चित तौर पे जो गुजरात के लोग हैं उनको बहुत बड़ी सौगात मिली। अगर आप इन 2 दिनों के दौरे को देख लें, प्रिसाइजली अगर अहमदाबाद की अगर बात करें तो जो 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, 23 स्टेशन जो है वहां पे मेट्रो जो है वो उसका काम जो है वो बेसिकली शुरू है। बेसिकली ये मेट्रो सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और जो
जिस तरीके से यहाँ की जो शहरी व्यवस्था बढ़ी है, चाहे वो अहमदाबाद की बात करिए, सूरत की बात कीजिए, वडोदरा की बात कीजिए, जो इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री आई है और जिस तरीके से विकास हुआ है, कई इंडस्ट्री आई है, कई तरह की जो अलग अलग सेक्टर्स है वो यहाँ पे आए हैं, मोबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है, तो उसको लेकर जो है ये जरूरी हो गया था कि यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसको एक अतिरिक्त विकल्प दिया जा सके जो कि सुलभ हो और जो कि यहाँ पे कई सारी चीजों को एक साथ जो है साधेगा। मसलन कि अगर आप ट्रैफिक को देख लीजिए तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, इसके अलावे अगर आप वातावरण को देख लें तो वातावरण पे भी जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का कंजेशन यहाँ पे देखा जा रहा था खास करके शहर के अंदर वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, तो उसको लेकर जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो ब्रॉडगेज हो, चाहे वो BRTS हो, OMTS हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, ये सब चीजों को अगर आप देखें तो इन सब चीजों को मिलाकर सार जो है वो यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको किस तरीके से और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, थ्रस्ट जो उस पर वो दिया जाए, तो उसको लेकर यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक रैली है, बहुत बड़ी सभा है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे। कल हमने देखा था भावनगर में उन्होंने एड्रेस किया था, एक बहुत बड़ी जनसभा थी वहां पे जब रोड शो हुआ था, उसके बाद उन्होंने उस रैली को भी एड्रेस किया था। कई सारी योजनाएं थी, अगर आप उस सौराष्ट्र रीजन की अगर बात करें तो चाहे वो जामनगर हो, चाहे भावनगर हो, ये सब जो क्षेत्र है वहां पे एग्रीकल्चर को लेकर कई सारे काम थे। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन दो दिनों में, आज का जो दिन है, जो उनका दो दिनों का दौरा था, आज का जो दिन है पूरी तरीके से उन विकास कार्यों को समर्पित है जिस पर काफी समय से काम चलता आ रहा था और इवन जब वो मुख्यमंत्री से गुजरा। अच्छा, एक चीज बिल्कुल, ये विकास कार्य, ये विकास की यात्रा ही तो है योगेश, जो मैं और आप देख रहे हैं। इस सरकार ने जब कार्यकाल शुरू किया था तब वंदे भारत की बात हुई थी और इसी कार्यकाल के दौरान मैंने और आपने भी कई बार रिपोर्टिंग की है, मैंने भी एंकरिंग की, हम लगातार बात करते आए और हमने दो वंदे भारत के बाद तीसरी वंदे भारत देखी, ये मेट्रो रेल देखा, ये वो विकास गति की एक पराकाष्ठा ही तो है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री खुद इस वक्त पैसेंजर बनके जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो खुद यात्री बनकर उन अनुभवों को संस्मरण उनका सुन रहे हैं, वो अनुभव साझा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अलग है, ये हर कोई नहीं करता और ये आपको अलहदा बनाने के साथ साथ किस तरह से एक संवाद स्थापित करने में वो हमेशा से आगे रहे हैं, जो आम जनता है, ये बच्चे हैं, हर जो उम्र के लोग हैं उनके साथ, और इस तरह से जब वो यात्री बनकर खुद सफर कर रहे हैं, बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। देखिए, अगर आप इनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर आप उनके निजी राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो वो हमेशा ही लोगों से संपर्क में रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो कहीं रैली के लिए जा रहे हों या किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और कहीं पे वो रुक के लोगों से बात करते हैं, जो संस्मरण है उसको साझा करते हैं और कई बार उनकी बातों को सुनते हैं। सबसे इसका बड़ा उदाहरण जो है वो उनका मन की बात कार्यक्रम है। अगर आप देखें तो मन की बात के कार्यक्रम में भी यही चीजें होती है, लेकिन कई बार बतौर प्रधानमंत्री ये काफी डिफिकल्ट होता है कि सीधे लोगों से कनेक्ट कर पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह कोशिश हमेशा दिखती है, वो ये चाहते हैं कि जहां तक संभव हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे ये संभव नहीं हो पाता कि आप हर समय जो है वो लोगों से मिल सके, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती है, जो वस्तु स्थिति है, जो नीचे में जो जिस तरीके से चीजें होती है उसकी प्रतिक्रिया आपको लेना है, अगर आपको उसकी समीक्षा करनी है तो जरूरत होता है कि आखिरी व्यक्ति से मिले, और ये कुछ वैसे कार्यक्रम होते हैं जहां पे आपको ये मौका मिलता है। तो अगर आप उनकी रैलियों के अलावा अगर देख रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि रैलियों के दौरान भी प्रधानमंत्री कुछ लोगों से वहां पे मिलते हैं, जब रैली से निकलने लगते हैं तो कुछ लोग उनकी तरफ देखते हैं, वो उनके पास जाके हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने। आज का जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से वंदे भारत में हमने देखा, महिलाएं थी, छात्राएं हैं वहां पे, युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, करीब करीब जो समाज का हर एक तबका होता है वो उनके साथ वो कोशिश करते हैं कि उनसे मिले, और इस बीच में कई तरह की बातें होती है, सिर्फ यही बातें नहीं होती है, इस योजना के बारे में बातें नहीं होती है, राजनीतिक गैर राजनीतिक चीजों पे बातचीत होती है, योजनाओं के इसीलिए तो हम मान रहे हैं वो आदान प्रदान होता है। बिल्कुल योगेश, तो आपने बात की वो बहुत अहम है कि जब इस तरह के संस्मरण प्रधानमंत्री साझा करते हैं तो जरूरी नहीं योजना से जुड़ी बात हो, वही तो बात है कि वो उससे अलग भी बात करते हैं, तभी तो मन की बात के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, 36 नेशनल गेम्स को अगर आप देख लीजिए तो खिलाड़ियों, आप देखिए किस तरीके अभी वो लोगों से मिल रहे हैं, खिलाड़ियों से हमने देखा है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी गेम हो, ओलंपिक हो, वहां पे भी आप देखेंगे कि वो उनसे बात करें तो एक कम्युनिकेशन जो है, जो समाज का जो सिलसिला है वो मुझे लगता है कि हालांकि मैं इस चीज को कहूँ कि जो पहले का जो समय था और आज
सेक्टर में आज तकनीक आ गई है, तकनीक के बावजूद आप देखेंगे प्रधानमंत्री तकनीक का सहारा लेते हैं कई बार, जो आज का जो हमारे सामने जो सजीव दृश्य है किसको लोगों से मिल रहे हैं उनसे बात करें, जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय होता है कई बार अपने प्रतिनिधि की जा सकती है, लेकिन